क्वार्टर फाइनल तो होना रसूल हो दारो को लेकर के कहां होती है सर क्या कहां पे होते हो इधर पे चला रहा है लेकिन मेरा तो इधर कमान सीनियर एकेडमी ब्लॉक में हमारी जो क्लास हुआ करती थी ये क्लास थी बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो प्लान बना एकेडमी जाने का। हमने 10 साल गुजारे उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में, वहाँ की काफी यादें हैं। 10 सालों में बहुत कुछ होता है, सैकड़ों दोस्त बने, साथ मिलके रहे, उनसे मिलने का दिल करता है, वही जो पुरानी यादें हैं उनको ताजा करने का दिल करता है। इसी मकसद के लिए हमारे उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जो चेयरमैन साहब है मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब, उनकी तरफ से हमें हर साल इन्विटेशन आता है और हमारे जो पुराने साथी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इसी बहाने एक दूसरे से मिल लेते हैं, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। तो सेम इस बार भी हुआ, 2023 में सारे आते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं, अपने टीचर जो वहाँ मौजूद होते हैं उनसे मिलते हैं और स्पेशली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जिन्होंने बच्चों की तरह बल्कि बच्चों से बढ़कर हमें प्यार दिया, बच्चों से बढ़कर हमारी केयर की, तो हमें इनविटेशन मिली कि 6 अगस्त को आपका रियूनियन फंक्शन है, आप आ जाएं। तो मैं भी यार यहाँ से चल पड़ा अपने भाई के साथ और अकेडमी पहुँच गया। अभी हम सीनियर एकेडमिक ब्लॉक है उसका विजिट करते हैं। बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो। सीनियर एकेडमी ब्लॉक में हमारी जो क्लास हुआ करती थी ये क्लास थी हमारी भी, जब हम 9th में थे 10th में थे तो ये वाली हमारी क्लास हुआ करती थी। अभी तो जिस तरह की छुट्टियां हैं फिलहाल तो क्लासेस पे लॉक लगा हुआ है, लेकिन बाहर से मैं आपको इसका नज़ारा कराता हूँ। अभी हम 3rd floor पर आ गए हैं सीनियर एकेडमिक ब्लॉक के। यहाँ पे 3rd floor पे डिफरेंट लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं। ये भी मैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी के साथ खड़ा हूँ। अभी तो लेबोरेटरी बंद होगी क्योंकि छुट्टियाँ हैं, जैसे यहाँ पे हर चीज़ मुहैया थी, हमें एकेडमी से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेबोरेटरीज होगी, लाइब्रेरी होगी और कंप्यूटर लैब्स हो गए, सारे यहीं पर अवेलेबल थे हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम आ गए हैं लाइब्रेरी के पास, तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी अवेलेबल थी, यहाँ पे मुख्तलिफ और कई किताबें पड़ी थी जिनका आप मुतालिया कर सकते थे। अभी तो मोबाइल का दौर काफ़ी हो गया है, काफ़ी ट्रेंड है मोबाइल्स का, लेकिन तब ये होता था कि हम डिफरेंट बुक्स ले जाते थे उसकी रीडिंग करते थे। अभी हमें सारी चीज़ें इंटरनेट पर मिल जाती हैं तो बुक्स कोई ख़ास नहीं पढ़ता, बट जब अकेडमी में होंगे यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था तो आपको बुक ही आपका वॉइस आ रहा था एजुकेशन का। इस चमन की खूबसूरती देख सकते हैं, हालांकि ये बरसात का मौसम है, इस टाइम सारा कुछ इतना गंद भरा होता है, लेकिन आप इस चमन की, इस गार्डन की ब्यूटी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो कहां गया उसे ढूंढो। टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है इस वजह से एक दिन में सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो हम फंक्शन अटेंड करने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ गए, तादाद चूँकि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में ये फंक्शन नहीं रखा, तादाद काफ़ी ज़्यादा थी तो डाइनिंग हॉल में उन्होंने सेटिंग की हुई थी। हमको कल की
फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहां से आया था वो, कंपटीशन वगैरह होंगे उसके बाद फिर हमें घर जाने की इजाज़त होगी। अभी तो फिलहाल मैं ग्राउंड की तरफ आया हूँ, ग्राउंड के कुछ व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें ग्राउंड, ये अभी इन्होंने नीचे जगह पक्की की है कंक्रीट वाली, पहले इस तरह नहीं था। यह अब यहाँ की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो ये है, 8 मंजिला। ये इस साइड पे ये हमारा हॉस्टल हुआ करता था, ये भी इन्होंने न्यू बनाया, हमारे टाइम पे ये नहीं था, इससे पिछला वाला हॉस्टल था। और इस साइड पे बास्केटबॉल क्लब इन्होंने बनाया, ये क्रिकेट का पिच है, यहाँ पे आई थिंक क्रिकेट हो। ये हमारे पागल दोस्त आ रहे हैं कुछ, पागल हम नहीं, हम दोस्त है जी। हाँ ये पागल आ रहे हैं कुछ, ये हमारा पुराना क्या क्या वो, अरे कहना क्या चाहते हो क्या? देखो बातें होती नहीं है, बस कैमरा देखा नहीं के बीच में घुस गए, क्या करें मजबूरी है। हाँ। ये हमारा बचपन का दोस्त, यहाँ पर हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी। कैमरे के आगे बोलती बंद होगी, चलो बोलो, चल बोल 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 बोल, इसको आज बड़ा निकाल ले। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वो ये एक नया हॉल बना है, ये जगह पहले नहीं थी यहाँ पे। वो बच्चे हैं जो छोटे छोटे काफ़ी, उनका खाना पीना सोना सब कुछ एक ही जगह पे, स्कूल टाइमिंग सबक नाजरा ये वो। ये देखें उनके कबर्ड, ये उनके मैट्रेस, अभी तो छुट्टियों पे गए फिलहाल। हाँ इधर जूनियर जो छोटे बच्चे होते हैं वो इधर सोते हैं, इनके लिए जगह बनाई, ये पहले कमरे थे और फिर कमरों के जो दीवारें बीच में वो हटाकर पूरा हॉल बनाया। तीसरा हॉस्टल है ये? हाँ दरवाजे हुआ करते थे, सबको हटा के ना सिर्फ सिंगल बना दिया, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोग आते हैं इसमें। नहीं नहीं मानता, ये वजू करने की जगह तू करते हैं नमाज पढ़ते हैं, ये जिस बंदे ने कैमरा पकड़ा हुआ, ये मैंने टाइम नोट किया, वजू तो कर लिया है। लेट्स ऑफर द सलाम। हाँ यूट्यूब वाने, फेसबुक वाने, टिकटॉक वाने, इंस्टाग्राम यार देखे यूसुफ अहमद। जमात खड़ी हो गई है,
को साइड पर रख के नमाज पढ़ते हैं। खानी है ब्रेक हमने ले ली नमाज पढ़ ली, अब जा रहे हैं खाना खाने। क्यों बोतल ले लाश खड़े रहे अरे के रखे खड़े सब जान ना बकरा और परेशानी शुक्रिया ले लो मैं कैमरा पकड़ा था कि गोश्त मेरी तरफ डाले। नहीं नहीं मैं पहले उसामा से स्टार्ट करता हूँ। ये बिरयानी आपको लाहौर में भी नहीं मिलेगी क्योंकि इधर मिल रही है ना। हाँ बस यूसुफ भाई आपके ब्लॉग में मैं भी इंटर होना चाहता हूँ और मैं सिर्फ ये कह दूँगा कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत फैंटास्टिक था और दूसरी बात यह कि आप लोगों के साथ मिलना जुलना वो फिर खाने से दुगना था, बहुत मज़ा आ गया माशाल्लाह। और बाकी बहुत शुक्रिया मुझे भी इसमें मौका देने का। माशाल्लाह से खाना हो गया है, अब थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। मोबाइल में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, मैं अपने साथ चार्जर भी नहीं लेकर आया था। तो अभी यहाँ पे हॉस्टल जाते हैं थोड़ा, उसके बाद जो बाकी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारे कवर अप करेंगे। सारे दोस्त जो हैं वो फिलहाल खाना खा के यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगु बातें शाते हैं। गए ये हमारा हॉस्टल तारीख को चेक, तारीख चेक करें कौन सी डेट है। फाइनल में पहुंच गया इंशाल्लाह और फाइनल जीत के दिखाएंगे। शाबाश Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't